जुमानी की जुबानी, जुमानी की जुबानी। नंबर्स पे दुनिया है कायल, नंबर से भविष्य उज्जवल, नंबर्स के मैजिक everybody, मैं हूँ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट श्वेता जुमानी और आज मैं आपको विस्तार में बताऊंगी कि आपके जन्म तारीख के अनुसार आपका नेचर कैसे होगा। कुछ बातें आपके बारे में जो शायद आप भी नहीं जानते हो, आपके घर वाले तो बिल्कुल नहीं जानते होंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर, नंबर वन से। सूर्य से रूल्ड होते हैं ये लोग और सूरज की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, हमें लाइट देना। लेकिन वर्स्ट क्वालिटी ये भी है कि जब बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है हम उससे छुपते फिरते हैं। तो वन नंबर के लोग भी ऐसे होते हैं, आप एक हद तक इनके पास जा सकते हो लेकिन बहुत करीब जाने से प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत डोमिनेटिंग होते हैं, जिद्दी होते हैं, अपने मन मर्जी की करते हैं। इसीलिए हम इन लोगों को कहते हैं कि आपके लिए कहीं काम करना थोड़ी दिक्कत हो सकती है। रिलेशनशिप में इन लोगों को काफी प्रॉब्लम्स आ सकती है बिकॉज अकेले रहने की आदत है। सूरज के इर्द गिर्द सब प्लैनेट्स घूमते हैं, आप जानते हो, ये तो भाई साहब वहीं खड़े रहते हैं। सो सेम चीज होती है नंबर वन के लोगों के साथ। इनके लिए रिलेशनशिप्स बहुत डिफिकल्ट होते हैं अनलेस दे बिलोंग टू द सेम फैमिली ऑफ नंबर्स। आस्ते आस्ते आपको वो सब भी हम बातें बताएंगे, लेकिन इस वक्त आपको मैं सिर्फ ये बता दूं कि निराश मत होइए, ये सब जो मैं आपको आपकी खामियां एज यू माइट बी थिंकिंग बता रही हूँ, ये एक्चुअली आपके प्लस पॉइंट्स हैं। क्योंकि धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी या रतन टाटा बनने के लिए ये सब चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत ही डोमिनेटिंग होते हैं, एडजस्टमेंट ईजिली लोगों के साथ नहीं करते हैं, मगर यही सब क्वालिटीज़ हमें चाहिए बिग पर्सनैलिटी लाइक इंदिरा गांधी बनने के लिए। हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी भी नंबर वन थे, नंबर वन लता मंगेशकर जी भी थी। सो इफ यू वॉन्ट टू बिकम समथिंग रियली बिग एंड रूल, ये क्वालिटीज जरूरी है, निराश मत होइए। बिजनेस आपके लिए अच्छा होता है, बेटर देन जॉब। और अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हैं तो यू विल मेक श्योर दैट उस इंडस्ट्री या उस बिजनेस एनवायरमेंट में आप सबसे आगे पहुंचे, बॉस नहीं तो सीईओ तो बन ही जाएंगे। आप लोगों के लिए पार्टनरशिप्स इतनी अच्छी नहीं होती हैं, इसके लिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप लोग अपना काम खुद कीजिए। यू शुड बी इन बिजनेस मोर देन सर्विस इंडस्ट्री। और अब बारी है दो नंबर के लोगों की। नंबर वन वॉज द सन एंड नंबर टू इज द मून। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हो लाइफ विदाउट द मून? अगर हमें दिन में सूरज की रोशनी चाहिए तो रात में चांद की भी चांदनी की जरूरत पड़ती है। टू नंबर की क्वालिटीज जो खास आप चांद को देखते ही समझ जाओगे, 15 दिन बड़ा 15 दिन छोटा, यानी कि एक्सट्रीमली मूडी। इनके मूड का कोई भरोसा नहीं है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। और दूसरी चीज है लेजीनेस। मून कब आता है? रात को, जब हम सब थक जाते हैं, थोड़े लेजी होते हैं, मन नहीं करता है बहुत सारा काम करने का, दैट इज द टाइम द मून कम्स आउट। सो लेजीनेस से आपको बचना है। टू नंबर आप जानते हो चांद, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, ये तो एक छोटा सा मुझे याद है, हजारों गाने बॉलीवुड में लिखे गए हैं चांद के ऊपर, और बॉलीवुड ही चांद है। लाइक KL सहगल द फर्स्ट एवर सुपरस्टार, उस जमाने में सुपरस्टार थे जहाँ सोशल मीडिया तो दूर की बात है, टेलीविजन भी नहीं थी। मोहनदास करमचंद गांधी जो साउथ अफ्रीका में जाके फेमस होना शुरू हुए, पहले बाहर के लोगों ने उन्हें पहचाना कि ही इज अ महात्मा, आस्ते आस्ते उनकी खबर फैली चारों तरफ, कितने बड़े सुपरस्टार थे आप सोचिए। माइकल जैक्सन
29th ऑफ ऑगस्ट। माइकल जैक्सन इतने बड़े सुपरस्टार उस जमाने में जब सिर्फ टीवी हुआ करती थी। शाहरुख खान ऑफ कोर्स आप जानते ही हैं, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, ये कुछ लोग हैं जो नंबर टू के हैं। ये लोग क्रिएटिविटी में बहुत आगे होते हैं। मोस्ट पेंटर्स, आर्टिस्ट, एक्टर्स, सिंगर्स, इवन नसीरुद्दीन शाह, मेरे फादर बंसीलाल एम जुमानी एंड एस्ट्रोलॉजी के किंग बिजन दारूवाला जी, जो अब हमारे साथ नहीं है, ये भी नंबर टू थे। अकल साइंसेस में भी बहुत अच्छा करते हैं। दे शुड बी डूइंग थिंग्स विच ब्रिंग देम हैप्पीनेस। अगर वो खुश हैं तो वो अपना काम बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। पैसा सबके लिए ज़रूरी होता है, लेकिन नंबर टू के लोगों के लिए ज़रूरी है एक अच्छी लाइफस्टाइल। इसीलिए मीडिएटर का काम हमेशा ये लोग करते हैं। दो लोगों के बीच का झगड़ा बंद कराने में इनका बड़ा हाथ होता है। एज वी ऑल नो, महात्मा गांधी जी ने किया, ही सेड स्टॉप द ब्लड शेड, बंटवारा कर लो, लेकिन एक दूसरे को मारना पीटना बंद करो। अगर आपके बच्चे नंबर टू हैं, मेक श्योर उनकी ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, कुछ ना कुछ ब्यूटीफुल क्वालिटीज आप बाहर निकालते हो। अलका याग्निक जी, अनदर नंबर टू। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके अंदर जो टैलेंट्स हिडन हैं वो बाहर निकलें। कुछ बड़े सेंट्स, आई नो अ कपल ऑफ देम, ओशो एंड जे पी वासवानी, ये भी नंबर टू थे। लव एंड मदरहुड इनकी एक बहुत खास क्वालिटी होती है। सो दे आर वेरी गुड ह्यूमंस, वेरी मच इंटरेस्टेड इन सोशल सर्विस, हमेशा लोगों की मदद करने के लिए सबसे आगे होते हैं। दे मेक श्योर दैट एनीवन कनेक्टेड टू देम इज वेल टेकन केयर ऑफ। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल नंबर्स इन ऑल द 9 नंबर्स इज अ नंबर 3, द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ वेल्थ। 3 नंबर और 1 नंबर के नेचर में बहुत कम फर्क होता है। 3 नंबर्स लाइक द नंबर 1s आर ओवर एम्बिशियस, वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी डोमिनेटिंग, एक तरीके के हिटलर भी हम इनको कह सकते हैं। तो अगर आपके घर में कोई नंबर 3 है तो आप वाकिफ होंगे मैं क्या कह रही हूँ। दे लाइक एवरीबॉडी टू डू व्हाट दे वांट, उनकी मर्जी के हिसाब से होना चाहिए, और ये अच्छी बात भी है। मैं तो कहती हूँ सबको सुनिए उनकी बात, उनकी बातें अच्छी होती हैं। ये लोग बैंकिंग में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। जो लोग बिजनेस कर सकते हैं, दे लव डूइंग बिजनेस, किसी के लिए काम करना इनको पसंद नहीं है, बिकॉज यही तो बॉस है, तो अब ये किसके लिए काम करेंगे। बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस में आप देखेंगे नंबर 3s। जेफ बेजोस इज अ नंबर 3। आप सबको उनकी हिस्ट्री पता है, कहाँ थे, आज कहाँ हैं। सो 3 नंबर इज एन अमेजिंग नंबर कनेक्टेड विद मनी। कई नंबर 3s को एग्जामिनेशन पास करने में दिक्कत आती है, बिकॉज दे आर ब्रेनी नंबर्स, दे नो हम कैसे भी पैसा कमा सकते हैं, तो एडुकेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। और जो नंबर 3s एडुकेशन लेते हैं, मैक्सिमम डॉक्टर्स या CAs आपको ये नंबर्स के मिलेंगे, बैंक के कैशियर्स आपको ये लोग मिलेंगे, इंश्योरेंस बेचने वाले भी आपको मोस्टली नंबर 3 मिलेंगे। हार्डवर्क की अगर बात की जाए, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्डवर्किंग नंबर। ये लोग सुबह 6 बजे से रात को 2 बजे तक काम करेंगे बिना उफ किए, और दूसरे दिन सुबह फिर से 6 बजे पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है, दे कैन बी बैक टू वर्क। एक चीज इनमें सबसे बुरी मुझे लगती है, वो है एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऑफ मनी। जब देखो पैसों की चिंता करते रहते हैं। इन लोगों को नेम, फेम एंड रिकॉग्निशन ऑलमोस्ट सर्टेनली मिलता ही है। बाहर की दुनिया इनको बहुत रिस्पेक्ट करती है, पीपल लुक अप टू देम, दे गेट अ लॉट ऑफ अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स एंड मॉनेटरी, तो मैंने आपको बोल दिया, फाइनेंशियली दे आर ऑलवेज वेल ऑफ, दे मेक अ गुड लाइफ फॉर देमसेल्व्स। उसके बाद बहुत सारा पैसा ये लोग खर्च करते हैं सोशल सर्विस के लिए, लोगों की शादियां कराना, सो मेनी थिंग्स दे डू, और लोगों को पता भी नहीं चलता है कि इन्होंने कितना दान पुण्य किया है। अगर आपके बच्चे नंबर 3 हैं तो उनको डांटिए मत, अगर उनके मार्क्स कम आते हैं उनको स्पोर्ट्स ग्राउंड पे भेज दीजिए, रोज 1-2 घंटा स्पोर्ट्स करके आएंगे तो अपने आप इनके मार्क्स भी अच्छे हो जाएंगे। दे समहाउ हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी फॉर द स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। शेयर मार्केट से बहुत प्रभावित रहते हैं, लेकिन आई वुडेंट एडवाइज हार्ड वर्किंग पीपल टू पुट देयर मनी इन शेयर्स। इनका लक दूसरों से थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। वॉरेन बुफे भी एक नंबर 3 है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, खास करके प्रोड्यूसर्स होते हैं, क्योंकि मैंने कहा पैसा तो होता ही है इनके पास। अब आती है बारी नंबर 4 की। मुझे पता है हम जुमानियों ने 4 नंबर को थोड़ा सा बदनाम किया है, मगर क्या करें, हमें जॉब दिया गया है हर नंबर की क्वालिटीज आपके सामने रखी जाए।
वो एक वर्ड जिसके साथ मैं नंबर 4 को बहुत जल्दी रिलेट करती हूँ वो है मिसअंडरस्टूड। ये लोग जितना भी अच्छा करने की कोशिश करें लोग इनको हमेशा गलत समझते हैं, क्योंकि कभी कभी इनकी बोलने की भाषा इज नॉट एज पीपल लाइक इट। तो इसका मतलब है दे आर नॉट सो डिप्लोमेटिक और उस वजह से जल्दी लोग इनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ये लोगों की फैमिली लाइफ थोड़ी गड़बड़ हो सकती है लेकिन इनको फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत मिलता है। तो घर के लोग तो आपको वैसे ही पता है घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, लेकिन बाहर के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं इनको एंड दे गेट अ वेरी गुड रिलेशन विद आउटसाइड पीपल। नंबर 4 अगेन आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी इनोवेटिव, वेरी डिफरेंट। ये जितने भी मुझे लगता है बड़े बड़े आविष्कार हुए हैं यहाँ कहीं ना कहीं एक नंबर 4 ज़रूर होगा, खास करके कंप्यूटर के जो अभी रोज़ रोज़ नए ऐप्स निकल रहे हैं। नंबर 4 आर कंप्यूटर विजर्ड्स, दे लव द कंप्यूटर एंड इसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। दे आर गैजेट फ्रीक्स और किसी भी गैजेट को बहुत ही जल्दी सिंप्लिसिटी के साथ ये लोग समझ सकते हैं, जिसके वजह से हम आपको कहते हैं अगर आप नंबर 4 हो तो थोड़ा लेट शादी कीजिए, और अगर शादी करनी ही है तो ध्यान रखिए जिसके साथ आप शादी कर रहे हो उनका बर्थ डेट आपके साथ ज़रूर मैच करो। बहुत ही अनकन्वेंशनल आइडियाज़ इनकी होती है, ओरिजिनल आइडियाज़ जो लोगों को समझ में नहीं आती हैं। जो ये लोग आज बात करते हैं 50 साल बाद लोगों को समझ में आता है, ओ ऐसा होता है। सो आई कैन ईजिली से दे आर वे अहेड ऑफ पीपल इन देयर थिंकिंग। इन लोगों को कभी भी लिटिगेशन अवॉइड करनी चाहिए, कोई भी ऐसा काम कोर्ट केसेस वगैरह के साथ इन सब चक्रों में जितना दूर रहे पुलिस वालों के साथ सब लोगों से इनको थोड़ा दूर रहना चाहिए, अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी होते हैं। किशोर कुमार जी इनके बारे में क्या बताऊं मैं आपको, अगर आपके बच्चे नंबर 4 हैं सो मेक श्योर दैट उनकी इनर क्वालिटीज आप बाहर निकालते हो, खास करके देयर अट्रैक्शन टू स्पोर्ट्स एंड गैजेट्स। 5 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट नंबर, क्यों? क्योंकि यहाँ 4 लोग हैं, 1 2 3 4, यहाँ 4 लोग हैं, 6 7 8 9, बिल्कुल सेंटर में आता है नंबर 5। इन लोगों को रूल करता है प्लैनेट मर्क्यूरी यानी बुध। अभी बुध सुन के ही आप समझ गए होंगे कितने बुद्धिमान होते हैं ये लोग। बुद्धिमान होते हैं, अलग होते हैं, इसीलिए मैंने लोकेशन चेंज की, क्योंकि इन लोगों को कुछ नया चाहिए होता है। They get very bored with the same routine stuff. तो आप में से अगर कोई नंबर 5 हो और गवर्नमेंट जॉब के लिए वेट कर रहे हो तो ये गलती कभी नहीं करना, क्योंकि आप फंस जाओगे, एकदम आपको घुटन महसूस होगी कुछ सालों बाद। और जो नंबर 5 के लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो भी सहमत होंगे कि वेट कर रहे हैं कि कब हम यहाँ से निकले। इनफैक्ट कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स तो बुढ़ापे का वेट करते हैं, क्योंकि 58 कब होगा और हमें रिलीफ कब मिलेगा। कोई बुढ़ापे का वेट नहीं करता है एक्सेप्ट गवर्नमेंट सर्वेंट्स। और आपका बच्चा अगर 5 है तो ये ध्यान से सुनिए 2-3 बातें जो मैं आपको बोल रही हूँ। मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्कर, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे लेकिन मार्क्स सबसे अच्छा लाएंगे। फोकस बिल्कुल नहीं है, आप उनको बोल नहीं सकते हो कि बैठो पढ़ो बैठो पढ़ो बैठो पढ़ो, बिल्कुल नहीं। चलते चलते घूमते घूमते भी पढ़ लेंगे, दूसरे बच्चों से अच्छा मार्क्स लाएंगे। रूटीन ये कभी नहीं कर सकते हैं, वही काम डेली 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 नहीं कर सकते हैं। आमिर खान जी एक नंबर 5 हैं और आपको पता है हर साल आपको एक न्यू लुक में वो नजर आते हैं। सो बी केयरफुल नंबर 5 पीपल, आप लोगों को थोड़ी लेट शादी करनी चाहिए। 30 31 32 भी हो गया तो नथिंग टू वरी, तब आपकी शादी सेफ है। 4-5 अलग अलग काम करते हैं, फास्ट मनी के बहुत शौकीन होते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपको ये थोड़ा समझना चाहिए। नंबर 5 को मर्क्यूरी रूल करता है। अब आपने अगर साइंस स्टूडेंट हो कभी आपने लेबोरेटरी में मर्क्यूरी देखा होगा या थर्मामीटर में, तो हम सबको पता ही है मर्क्यूरी होता है -100 degrees भी आपको दिखाता है और +100 degrees भी आपको मर्क्यूरी ही दिखाता है। तो हर क्लाइमेट में ये बंदा फिट रहता है, ये कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, कोई भी काम कर सकता है। डिप्रेशन इनको जल्दी पकड़ लेती है, जैसे ओपनली कहा है दीपिका पादुकोण जी ने, जो खुद एक नंबर 5 है। नंबर 5 आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर सो लकी, बहुत जल्दी उनकी उम्र भी आपको नई नजर आएगी। दे लुक यंगर देन दे ऑलवेज आर, चाहे आमिर खान हो, रोहित शेट्टी हो,
काजोल हो, दीपिका पदुकोण हो, ऑल दीज नंबर फाइव पीपल हैव डन एक्सट्रीमली वेल इन देयर लाइव्स. नंबर फाइव हैज अ वेरी गुड सेंस ऑफ म्यूजिक. इनका हर इंडस्ट्री में तो वैसे वो अच्छा कर सकते हैं, लेकिन म्यूजिक के लिए बहुत अच्छे कान हैं. मोस्ट ऑफ देम आर वेरी गुड म्यूजिशियंस. बहुत सारे बिजनेसेस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, बट दे शुड लर्न, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ ऑफ देयर लाइफ, दे शुड अंडरस्टैंड कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, और वो दो तीन चीज़ों में ही इनको अपना समय व्यतीत करना चाहिए. इन लोगों में जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक मुझे नज़र आती है वो है ज़ीरो पेशेंस. हर चीज़ इनको फटाफट करना है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बोरिंग लोग से परेशान हो जाते हैं, बोरिंग फैमिली लाइफ से परेशान हो जाते हैं, बोरिंग रिलेटिव से परेशान हो जाते हैं. दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एडवेंचर. इसीलिए आपको ये लोग सबसे ज़्यादा ट्रैवल करते हुए नजर आएंगे. ट्रैवल एंड टूरिज्म इनके लिए बहुत अच्छा होता है, एंड मोस्टली यू विल फाइंड दीज पीपल वर्किंग इन दोज सेक्टर्स, एंड दैट्स अ सिक्स. ये सुनना किसे नहीं अच्छा लगता है. Everybody wants to hit a sixer. Six, one of the most beautiful lucky numbers. जो लोग हमें ध्यान से सुनते हैं वो जानते हैं कि हम लोग सिक्स नंबर को बहुत प्रमोट करते हैं, खास करके मैं. Six is the number of love, peace, health, beauty, happiness, हर beautiful thing. इनको rule करता है planet Venus, यानी शुक्र. जब सब शुक्र ही है, सब अच्छा ही है, तो फिर पंगा किधर है? पंगा आता है इनका ओवर इंटेलिजेंस में. लव में दे गो आउट ऑफ द वे और इतनी सैक्रिफाइसेस करते हैं प्यार हासिल करने के लिए, दे कैन गो टू एनी लेंथ्स, और प्यार के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं. एक और बर्डेड है जो प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है, वो है नंबर टू. इसीलिए टू एंड सिक्स की जोड़ी काफी अच्छी मानी जाती है. इफ दे आर मैरिड टू ईच अदर और दे आर फ्रेंड्स विद ईच अदर, बहुत अच्छा होता है. सिक्स नंबर के लिए टू नंबर के लोग अच्छे होते हैं, टू नंबर के लिए भी सिक्स नंबर के लिए लोग काफी अच्छे होते हैं. छह नंबर के लोगों को ध्यान रखना चाहिए ओवर इंटेलिजेंस का, वेदर इट इज इन फूड, लैविशनेस एंड लव. इनफैक्ट कोई भी चीज जो ओवर कर दे है वो अच्छा नहीं होता है. इन लोगों को लग्जरीज की आदत है. आप सिक्स नंबर के लोग को दूर से पहचान सकते हैं. Always well dressed, always in branded clothes. आपको पता नहीं चलेगा कि जेब में पैसे नहीं है, but they will look good, feel good, and they bring lot of luck to people around them. अमिताभ बच्चन जी एक नंबर सिक्स है, because he is a Libra. How do you remember him so well dressed all the time? माधुरी दीक्षित, रेखा, हेमा मालिनी, they are all directly or indirectly ruled by number six. One of the best planets. हम सब इतने लकी नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए मैं सबको कहती हूँ 24 अपने लेफ्ट थंब के नीचे लिखिए ऑन दिस एरिया. लेट अस आल्सो डिराइव सम लक फ्रॉम देम. मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ आपके नाम की टोटल भी खिचड़ी करके सिक्स पे लेके आऊँ, जैसे मैंने खुद के नाम की है. श्वेता जुमानी, श्वेता में से एच हटा दिया, श्वेता जुमानी कर दिया, एंड माई नेम टोटल्स टू 42, जो ऑल्सो लकीली आप देखेंगे शाहरुख खान जी का नंबर है. His birth date is 2 and his name falls on 42. बाकी आपके सामने है, हार्ड वर्क थोड़ा सा डाल दो. न्यूमरोलॉजी, हार्ड वर्क, लकी स्पेलिंग्स, इसका कमाल आपको आपके सामने खुद है. कुछ नंबर सिक्स बहुत लेजी होते हैं, क्योंकि इनको सब कुछ मिल ही जाता है, तो कभी कभी कम मेहनत करते हैं और ज्यादा मिलता है लाइफ से. चाहे क्रिकेट इंडस्ट्री के कपिल देव और सचिन हो, बॉलीवुड एंड अदर फिल्म इंडस्ट्री में नंबर सिक्स तो है ही. संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर्स कितने होते हैं, कपिल देव और सचिन कितने लोग बन सकते हैं, नीरज चोपड़ा कितने लोग हो सकते हैं. सो दिस इज द पावर ऑफ अ नंबर सिक्स. दे आर जस्ट अमेजिंग इफ दे पुट देयर हार्ट इनटू व्हाट दे आर डूइंग. अगर आपके बच्चे नंबर सिक्स हैं तो उनको ड्राइंग, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, एक्टिंग, स्पोर्ट्स, इन सब चीज़ों में डाल दीजिए और भूल जाइए. दे विल डेफिनेटली एक्सेल. हम साथ साथ हैं, मगर सात नंबर के लोग बहुत ही कम लोगों के साथ होते हैं. दे आर मोस्टली लोनर्स. दे आर रूल्ड बाय नेपच्यून. टू एंड सेवन ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं. दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. अ नंबर टू पर्सन भी बहुत सारा सेवन जैसा होता है, और एक सेवन बहुत ज़्यादा नंबर टू के जैसा माना जाता है. दे आर ऑलमोस्ट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. सेवन नंबर पीपल आर ऑल्सो प्रोन टू डिप्रेशन. ये एक चीज़ मैं हमेशा नंबर सेवन को पहले कहती हूँ कि अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, थोड़ा योगा मेडिटेशन कीजिए, फोकस कीजिए लाइफ के ऊपर,
एक्चुअली दे लिव इन देयर थॉट्स, एक डिल्यूजनल वर्ल्ड में रहते हैं, प्रैक्टिकल बहुत कम होते हैं, सेल्फ एस्टीम इनकी लो होती है, कॉन्फिडेंस लेवल तो बिल्कुल ही ऑलमोस्ट आप कह सकते हो जीरो होता है. सो दे शुड स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट ब्रिंग देम हैप्पीनेस. बहुत क्रिएटिव, बहुत एनर्जेटिक, एट द सेम टाइम वेरी लो एनर्जी ऑल्सो. सेवन नंबर के लोगों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मूडीनेस. इनका मूड इराटिक होता है, बहुत हाईज एंड बहुत लोज ये लोग देखते हैं. इसीलिए इन लोगों को क्रिएटिविटी में फोकस करना चाहिए, जैसे हमारी क्लाइंट एकता कपूर ने किया. करण जौहर, अनदर फॉलोअर ऑफ न्यूमरोलॉजी, ऑलवेज डूइंग समथिंग, कीपिंग योरसेल्फ बिजी, नहीं तो फिर एंजाइटी आ जाती है, डिप्रेशन आ जाता है, अकेले के ख्यालों में खोए रहते हैं. सो नंबर सेवन पीपल नीड टू बी बिजी ऑल द टाइम एंड डू समथिंग. शाहिद कपूर इज अनदर नंबर सेवन. शाहिद कपूर ब्यूटिफुल एक्टर, कमल हसन अमेजिंग एक्टर, ये लोग सब नंबर सेवन के हैं. सेवन नंबर पर्सन शुड ऑलवेज बी बिजी. इनको सेहतमंद रहना पसंद है. अगर अपने डिप्रेशन में नहीं है तो फिटनेस में लगे रहेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छी सेहत इनको बहुत पसंद है. दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ एक्सरसाइज, डाइट, न्यूट्रिशन और ख्याल रखते हैं अपना जब डिप्रेशन में नहीं होते हैं. कॉन्फिडेंस लेवल इनको अपना बूस्ट करना चाहिए, और वो कब बूस्ट होता है, जब हम वो काम करते हैं जो हमें समझ में आता है. आपको ड्राइंग पेंटिंग आती है, म्यूजिक आती है. आपको पता है विंसेंट वैन गॉग आल्सो वाज अ नंबर सेवन. तो ये है न्यूमरोलॉजी आपके सामने, आपके बर्थ डेट से खुली किताब के जैसे आपके लाइफ में सब कुछ सामने रख देती है. तो अगर आपके बच्चे नंबर सेवन के हैं, मूडी हैं, एराटिक हैं, ड्राइंग पेंटिंग म्यूजिक में अच्छे हैं, तो उसके अलावा आपको उन्हें कहीं पुश नहीं करना है. स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं. हमारे MS धोनी जी हैं, जो फिर से फॉलोअर हैं न्यूमरोलॉजी के. लॉकेट हो या उनका जर्सी नंबर हो या उनकी गाड़ी का नंबर हो या रोल नंबर हो, शादी भी उन्होंने नंबर वन उनके ही फैमिली ऑफ नंबर्स साक्षी जी से की. अब आता है एक बहुत ही डिफिकल्ट नंबर, 8 यानी शनि यानी सैटर्न. मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स 8 को आते हैं, चाहे आप भुज की देख लो, चाहे आप बॉम्बे में बारिश देख लो वो 26 को आई थी, चाहे आप कासब को देख लो वो भी 8 नंबर के ही डेट पे आए थे. सो बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं नंबर 8 के डेट पे, नेचुरल कैलामिटीज भी होती हैं, और इंसान जो बेचारे पैदा होते हैं उनको भी बहुत सारे अप्स एंड डाउन से जाना पड़ता है. 8 देखिए आप दो सर्कल में हैं, तो या तो ये लोग एकदम टॉप पे पहुँचते हैं या एकदम बॉटम पे होते हैं. कभी कभी फर्स्ट हाफ ऑफ देयर लाइफ इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. जल्दी एज में माँ बाप खो जाते हैं, कोई भी काम में सक्सेस जल्दी नहीं मिलता है. सबसे बड़े एग्जाम्पल है हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, कि कब से पॉलिटिक्स में हैं और इस उम्र में जाके उन्होंने आखिर हासिल कर ही लिया जो उनको चाहिए था. सो दे गो थ्रू अ लॉट एंड लॉट ऑफ स्ट्रगल्स टू अल्टीमेटली रीच देयर. दे आर वेरी नाइस पीपल, काइंड हार्टेड, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं. 8 नंबर के लोगों को एज आई सेड थोड़े ज़्यादा तकलीफ आती है, क्योंकि सैटर्न रूल करता है आपको, शनि रूल करता है आपको, मदर टेरेसा. और पूरी जिंदगी मदर टेरेसा ने वो किया जो काम भगवान ने उनको दिया था, सोशल सर्विस, हेल्पिंग द नीडी, द सिक. एंड आपको पता ही है लेप्रेसी पेशेंट्स के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया. ये लोग जितना स्पिरिचुअलिटी, सोशल सर्विस, इन सब चीज़ों में रहेंगे उतना ही इनकी लाइफ अच्छी रहती है. आप लोगों को हमेशा हनुमान जी का लॉकेट पहनना चाहिए, विदर यू आर मैरिड और अनमैरिड. हर स्पेशली द मेन शुड ऑलवेज वेयर अ हनुमान जी लॉकेट इफ यू आर अ नंबर 8. सैटरडे को हनुमान टेम्पल जरूर जाइए, क्योंकि शनि का तोड़ हनुमान जी के पास है, ना कि शनि के पास. बड़े बड़े बिजनेसेस भी नंबर 8 कर सकते हैं. गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ डील करना या गवर्नमेंट के कुछ काम करना इनको बहुत सूट करता है. इनको लॉ के साथ पंगा कभी नहीं लेना चाहिए. छोटा से छोटा 2 नंबर का काम अगर आपने किया आप फंस जाओगे, और आपका कलीग जिसने पूरी कंपनी हड़प ली उसको कोई कुछ नहीं कहेगा. काम आप करते हो, मेहनत आप करते हो, प्रमोशन दूसरा ले जाता है. दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ अ नंबर 8. बहुत मेहनत, लिटिल रिजल्ट्स. बट एज आई सेड इट इज ऑल्सो इन 2 सर्कल्स. जब हम बुरे दिन देखते हैं तो अच्छे दिन तो आने ही हैं.
Now, last but not the least, number 9. In fact, least क्या है? ये तो completion का number है. Number 9s वो होते हैं जो 9, 18 या 27 को जन्मते हैं of any given month. और इनको रूल करता है मंगल यानी मार्स. Now, मंगल is a very big, hot, fiery planet. तो ये लोग कैसे होंगे? सिर्फ सलमान खान के जैसे होंगे या खली के जैसे होंगे या अक्षय कुमार के जैसे होंगे, यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी. हॉलीवुड के मैक्सिमम सुपर बिग हीरोज आर बॉर्न ऑन नंबर 9. एक वर्ड जो इनके साथ बहुत रेसोनेट करता है वो है हाई एनर्जी. दूसरा है डिसिप्लिन. तीसरा है डोमिनेंस. यानी कि इन शॉर्ट बहुत ही कड़क स्वभाव के जेलर टाइप के लोग होते हैं. सो एनी ऑफ यू मैरिड टू अ नंबर 9, मुझे पता है आपकी हालत क्या है, बट ये नंबर भी जरूरी है क्योंकि हमें पुलिस की जरूरत है, एयरफोर्स की जरूरत है, स्ट्रिक्ट टीचर्स की जरूरत है. तो जहां आप एक स्ट्रिक्ट टीचर देखेंगे, डेफिनेटली आइदर शी इज अ नंबर 9 और अ स्कॉर्पियो और अ एरीज. पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स में सबसे ज्यादा नंबर 9s पाए जाएंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट अनदर नंबर 9, प्रियंका चोपड़ा. प्रियंका चोपड़ा को हमने कहा था कि आप बॉलीवुड से ज्यादा हॉलीवुड में अच्छा करेंगी एंड सी वेयर शी हैज रीच्ड. बहुत अच्छे पेंटर्स, राइटर्स नंबर 9 में आपको मिलेंगे. गुलजार साहब इज अ नंबर 9. नेल्सन मंडेला वॉज अ नंबर 9. दे ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन टू द सोसाइटी. और कुछ नहीं तो ये लोग कम से कम एक बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट होते हैं. अगर ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में नहीं है तो इनका घर ही एक जेल टाइप है. आई रियली पिटी द बच्चास जिनके मम्मी नंबर 9 है. एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट. थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाइए. एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट के बदले स्ट्रिक्ट बनिए. दैट्स ऑल इट टेक्स. और आपको ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं है. कोई गुस्से वाला, कोई एक्सट्रीमली लविंग, अगर इन सब की जरूरत है ना, क्या शाहरुख खान की जरूरत नहीं है रोमांस करने के लिए, या सलमान और अक्षय की जरूरत नहीं है डिशुम डिशुम करने के लिए? सो ऑल नंबर्स हैव देयर ओन क्वालिटीज एंड वी ट्राई टू ब्रिंग इट आउट इन द ओपन ताकि आपकी लाइफ अच्छी जाए और आप बहुत जल्दी लोगों से निराश ना हो. सो आई होप आज आपको समझ में आया कि आपकी सास इतनी स्ट्रिक्ट क्यों है और आपके हस्बैंड इतने रोमांटिक क्यों नहीं है. तो और भी इंटरेस्टिंग बातें अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ की जानना चाहते हैं तो आपको पता है ना, यू हैव टू बी ट्यून्ड इनटू जुमानी की जुबानी. सी यू सून.